देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति, उनको सशक्त करने वाला फैसला लिया। वन सेकेंड। चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊं। जी हां, सही सुना आपने, ये वही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान है जो कभी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन आज वही जयंत चौधरी राज्यसभा में विपक्षी खेमे में अलग होकर सरकार के पाले में बैठे नजर आए। यानी इशारा साफ है कि अब आरएलडी इंडिया से आउट होकर एनडीए का हिस्सा होने जा रही है। जैसे ही राज्यसभा में आरएलडी प्रमुख ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े, ठीक वैसे ही कांग्रेस सांसदों ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया। फिर क्या था, जयंत और कांग्रेसी सांसदों के बीच सदन के अंदर ही तूतू मैमे होने लगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया, जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूंगा। सभापति जी, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गाँव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति, उनको सशक्त करने वाला मैं अपील करता हूँ, आप भी मिस्टर जयराम रमेश यहाँ बैठे हो, लेकिन पहले भी आपने काम किया, उनका तो आदर कर लीजिए। जैसे जैसे सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसदों को शांत कराया, उसके बाद जयंत चौधरी ने पीएम की तारीफ में जो कहा उससे पूरे विपक्ष को मिर्ची लगना तय था। जयंत ने कहा, 10 साल में विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर के लिए मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है उनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। और मैं ये भी मानता हूं, 10 साल में विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। संसद में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने को लेकर संसद में जो कुछ भी हुआ उसके बाद संसद के बाहर बयानबाजी तेज हो गई। सदन खत्म होने के बाद बसपा सांसद मलूक नागर ने कांग्रेस पर भड़ास निकाली और कहा कि उन्होंने जयंत का विरोध नहीं किया, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का विरोध किया। जयंत जी क्या बोल रहे थे जब उन्होंने हंगामा करा कि चौधरी चरण सिंह जी को, मेरे दादाजी को जो भारत रत्न दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो वो बेसिकली हुआ क्या है कि उन्होंने जैन जी का विरोध नहीं करा, चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के देवता और मसीहा थे उनको भारत रत्न देने का विरोध किया। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, कहाँ तक जाके बेवकूफ़ी करेंगे। उससे वो याद ताज़ा हो गई जब कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उठा के खींच के नीचे हटा दिया था। वहीं संसद में जयंत चौधरी के बोलने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सवाल उठा दिए और कहा कि किस नियम के तहत इनको बोलने दिया गया है, ये कोई एजेंडा नहीं है, आप कुछ को बोलने की अनुमति देते हैं और कुछ को नहीं बोलने की अनुमति देते हैं। कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया। एक अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ
जो चाहते हैं प्लीज, जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं, ये अच्छा नहीं ना। वहीं जयंत चौधरी सदन से जब बाहर निकले तो उनसे एनडीए में शामिल होने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने कल भी बोला था कि जब भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं। आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे? मुझे तो समझ नहीं आया ये हुआ क्या। अगर मैं चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न सरकार ने दिया है, ये क्या मेरा दायित्व नहीं बनता या अधिकार नहीं बनता कि मैं सदन की कार्रवाई में उस बात को रखूं, धन्यवाद दूं? जो भावनाएं किसानों की है, देश भर के लोगों की है, मैं उसको व्यक्त करूं? तो ये बिल्कुल ही अजीब सी बात हुई है और ये लोगों के गले से बात उतरेगी नहीं। साल जरूर बदला है लेकिन इंडिया अलायंस को बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं। इधर यूपी में जयंत के एनडीए में शामिल होने की गहमा गहमी के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि वो पंजाब की सभी 13 सीटों पर उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएगी। अभी 2 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के। इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 सीटें हैं, 1 चंडीगढ़ की सीट है, 14 सीटें हैं। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। बहरहाल यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार में इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिखरा नजर आ रहा है। इधर जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए रास्ता तैयार कर दिया, बस कैमरों के सामने आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।